नमस्कार दोस्तों, आयुष स्टडी में आपका स्वागत है। आज है 2 अक्टूबर और हम बात करेंगे 2 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाया जाता है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल पीयरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। बंगाल पीयरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी की स्थापना 1994 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस बैंक ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी किया है। यस बैंक के CEO हैं प्रशांत कुमार और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड संदिग्धता के बीच RBI ने Basel III प्रावधानों को स्थगित कर दिया। RBI पूंजी संरक्षण बफर की अंतिम किस्त और शुद्ध स्थिर वित्त पोषण अनुपात यानी नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो NSFR को 6 महीने यानी 1 अप्रैल 2021 तक लागू करेगा। आज का फोर्थ क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ 5 वर्षों के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता राज्य सरकार की शाखा गुजरात जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड और डेनिश जल फोरम के बीच हुआ है। यह समझौता ऑनलाइन इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया है। डेनिश वाटर फोरम के अध्यक्ष हैं हंस मार्टिन प्रिंस मोलर और इसका मुख्यालय है होरसोलम डेनमार्क में। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसी हिली ने T20 इंटरनेशनल में MS धोनी का विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर और विकेट कीपर एलिसी हिली ने 98 T20 इंटरनेशनल मैच में धोनी द्वारा 91 विकेट लेकर बनाए गए मोस्ट डिसमिसल बाय विकेट कीपर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। मंत्री ने इस अवसर पर CSI नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज ई कंपेडियम और ई कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया। इंडियन बैंक ने किया IBE Note ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ, जिसका उद्देश्य है पेपरलेस कामकाजी वातावरण का बढ़ावा देना। इंडियन बैंक के MD और CEO हैं प्रज्ञा चंदूर और इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री DV सदानंद गौड़ा ने आंध्र प्रदेश में किसान के लिए पॉइंट ऑफ सेल 3.1 सॉफ्टवेयर SMS सेवा और घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा के तहत ऋण भरोसा केंद्र का शुभारंभ किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और यहां के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत ने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन को ई लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य है उच्च शिक्षण संस्थान में टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर्स के माध्यम से अगले 4 वर्षों में 1000 SC युवाओं की पहचान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व रेलवे ने परियोजना ऑपरेशन मेरी सहेली की शुरुआत किया, जिसका उद्देश्य है यात्रा के दौरान अपने गंतव्य तक जाने वाली ट्रेन में महिलाएं यात्रियों की सुरक्षा प्रदान करना। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक हैं संजय कुमार मोहंती और वह दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लॉन्च किया भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI का नया लोगो। साई का महानिदेशक है संदीप प्रधान। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुद्ध
वृद्ध व्यक्तियों का दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष इसका थीम है पेंडेमिक्स डू द चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल प्रशिक्षण किया गया। ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह प्रशिक्षण ओडिशा के बालासोर स्थित आईटीआर से किया गया है। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग और नीदरलैंड के दूतावास ने क्लीनर और अधिक ऊर्जा को समायोजित करने के लिए डिकार्बोनाइजेशन और एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा का समर्थन करने के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया। इसका फोकस है दोनों संस्थानों की विशेषज्ञता का लाभ उठाकर नवीनी तकनीक समाधान तैयार करना। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रुट्टे। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।